एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन डिजिटल वर्ल्ड। सो अगर आप भी टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया में तो अब से नहीं करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आइडियाज जहाँ से आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया में। क्योंकि अगर हम कोई रील्स देखते हैं तो मल्टीपल टाइम से उसे देखते रहते हैं, 20 या 25 मिनट्स या 1 आवर कहाँ चला जाता है लोगों को पता नहीं लगता। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि एक्चुअल में कितना टाइम देना चाहिए सोशल मीडिया में उन्हें एक्चुअल में नहीं पता। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशन, अगर आप भी ये फेस कर रहे हैं तो अब ये फेस नहीं करेंगे। तो इससे पहले बताना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए देख रहे हैं, फ्रीलांसर सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट है सेट टाइम लिमिट्स, राइट? कि हमें पता नहीं होता है कितना टाइम देना चाहिए एक्चुअल में सोशल मीडिया में, और इवन आपको मोबाइल यूज करने में कितना टाइम देना चाहिए। तो उसके लिए मोबाइल में भी आपका स्क्रीन टाइमर का ऑप्शन होता है। अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया, राइट, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर सकते हैं टाइम लिमिट, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने फोन में भी अलार्म लगा सकते हैं, स्मार्ट वॉच हर कोई यूज करता है, तो उसमें आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं या फिर अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी कि मुझे 10 मिनट तक ये चलाना है। तो फर्स्ट टाइम इशू होगा, बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आपको खुद हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो। सेकेंड इज यूज ऐप, राइट? यहाँ पे आप बहुत सारे टूल्स होते हैं सोशल मीडिया के लिए, राइट, जहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टाइम लिमिट को। एंड सेकेंड चीज, सोशल मीडिया में आपको कितना टाइम यूज करना है। लेट से अगर आपका मोबाइल का डेटा होता है तो वहाँ पे आपको एक लिमिट दिखाता है कि देन आपने आज इतना डेटा यूज कर लिया है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा अगर आप और यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के लिए आप यूसेज एक अलार्म लगा सकते हैं, फिर टूल यूज कर सकते हैं जो कि आपको बता देगा कि आज आपने इतना टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर, राइट, सोशल मीडिया के ऊपर, और इसका यूसेज जो है वो फिनिश हो चुका है। वैसे मोबाइल में तो होता ही है, राइट, स्क्रीन टाइमर का, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आज आपने कितने टाइम तक कौन से सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वहां से भी आपको आइडिया मिल सकता है। नंबर थर्ड इज स्टॉप यूजिंग अनफॉलो एंड अनफ्रेंड, राइट? बहुत सारा आजकल ये चीजें चल रही है सोशल मीडिया में कि लोग अनफॉलो करते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं। तो आप अपने कनेक्शन को ऐसे रखिए जो कि आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करवाए, और जो भी आप देखना चाहते हो उसी से रेलिवेंट ही आप लोगों को फॉलो कीजिए। अदरवाइज आप सबको अनफ्रेंड कर दीजिए जो कि आपके लिए वर्थफुल नहीं रहता है। अदरवाइज बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है, उससे आप बच के रहे और एटलीस्ट क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे सोशल मीडिया में। और जिस टाइप की आपको रील्स देखनी है वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रील्स में जाएंगे तो राइट साइड में आपको ऑप्शन डॉट मिलते हैं, 3 डॉट्स नीचे की साइड में, राइट, तो राइट साइड में आप देखेंगे 3 डॉट्स मिलते हैं जब आप रील्स देख रहे होते हैं, तो वहाँ से आपके सामने ऑप्शंस भी आता है कि देन आप इस रील को देखने में इंटरेस्टेड है, लाइक ऐसी रील्स को, तो वहाँ पे आप येस पुट कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। अदरवाइज बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ से भी आपका टाइम सेव हो सकता है। और वहाँ से आपका टाइम सेव कैसे होगा, जिस टाइप की आप रील्स चाहते हो, कॉन्टेंट चाहते हो, तो उस टाइप की ही रील्स आपके सामने आएगी या फिर पोस्ट अगर आप स्क्रॉल करते हैं। डिसेबल नोटिफिकेशन, राइट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि देन वो नोटिफिकेशन को डिसेबल के रखते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज टाइम सेविंग होता है। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, राइट, और ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन है, तो हमारा माइंडसेट वहां पे जाता है कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे रिप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जो फ्री हो आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि देन इतने से इतने बजे तक मुझे सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना है, तभी आपके पास जो मैसेजेस आए हैं या फिर जो भी आपको फॉलो करना है, अनफॉलो करना है, किस टाइप का आपका रील देखना है, तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। एंड जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे डिसेबल रहेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया होते हैं जो हम यूज भी नहीं करते, मोबाइल में बहुत सारी एप्स होती हैं सोशल मीडिया से रिलेवेंट या फिर कुछ भी अननेसेसरी एप्स होती हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस में हम बस रखते हैं एंड बाद में पता भी नहीं लगता है, तो उससे आप डिलीट कीजिए अगर वो आपके लिए यूजफुल नहीं, क्योंकि आपके लाइक माइंड को भी डाइवर्ट करते हैं और आप यूज ही नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाइए और सिंपल बनाइए और अपने गोल्स पे फोकस कीजिए कि अगर आप सोशल मीडिया में, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आप क्यों यूज कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, अगर आप वहाँ पे अपनी रील्स बनाते हैं तो किस टाइप की रील्स होनी चाहिए, क्या टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, तो आपका टू डू लिस्ट होनी चाहिए।
एंड बाद में आप एनालिटिक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आप इनसाइट चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया की कि अगर आप कितने यूजर्स आए राइट, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सोशल मीडिया को यूज करना है तो आप अपने इन्फॉर्मेटिव चीजों के लिए आप यूज करें या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर आप भी टाइम वेस्ट करते तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग सिमरन डिजिटल वर्ल्ड। और हाँ, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ्रीलांसर देख रहे हैं तो आप मुझे DM करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी।